प्रदेश सरकार के आदेश पर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के अलावा शांति व्यवस्था बनाने के लिए खरगोन जिले के बलकवाड़ा और मैनगांव थाना क्षेत्रों में भोपाल के 71 सदस्यीय रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने फ्लैग मार्च किया। बताया जा रहा है भोपाल से आई बटालियन मध्य प्रदेश के सभी जिलों के थाना क्षेत्रों में जाकर फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों को प्रेरित कर रही है। इस दौरान थाना प्रभारी आर एस ठाकुर ने बताया कि चिन्हित इलाकों की सर्चिंग करके हुड़दंग करने वालों के खिलाफ उन्होंने कमरकस तैयारी की है और हर हाल में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा आज कुछ ऐसे संवेदनशील कस्बों का चयन किया गया है जहां आगामी समय में सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का असामाजिक तत्व प्रयास कर सकते हैं। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर वहाँ पर पेट्रोलिंग की गई है, उन रास्तों को देखा गया है एवं ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो आने वाले समय में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। फोर्स हमेशा के लिए इस तरह ही मुस्तैद रहेगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।